सो गाइस वेलकम टू ब्राइट मेड को आज हम स्टार्ट करने वाला है लेक्चर हमारा फोर्थ होने वाला है फार्माकोग्नोसी का जो अडल्ट्रेशन हम यूनिट फर्स्ट का देख रहे हैं। तो हम लोग बात करते हैं अडल्ट्रेशन के बारे में। तो पहले जानते हैं अडल्ट्रेशन होता क्या। तो अडल्ट्रेशन कहीं ना कहीं नाम से पता चल रहा है कि कुछ चीजों का मिलावट हो रहा होगा। ठीक है, क्या हो रहा होगा? मिलावट हो रहा होगा। कोई कोई मिलावट हो सकता है कि अच्छी भी हो, कुछ मिलावट खराब भी हो सकता है। जैसे दूध में अगर हम पानी मिला दें तो मिलावट है, तो ये मिलावट हमारे लिए खराब है बट हो रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर हम अडल्ट्रेशन की बात करें तो कुछ क्या 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 कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन इन्वॉल्विंग अडल्ट्रेशन की बात करते हैं। तो अडल्ट्रेशन का पहला तो हम देख लेते हैं प्रॉपर डिफिनेशन क्या होता है। तो हम लिख सकते हैं अडल्ट्रेशन इज, ठीक है, क्या हो सकता है हमारा अडल्ट्रेशन इज सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना, मिला रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन और एडिशन भी कह सकते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन ऑफ सब्सटेंस, किसका, किसी भी सब्सटेंस का एडिशन, अडल्ट्रेशन क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एडिशन ऑफ सब्सटेंस इन आवर क्रूड ड्रग्स, हमारे क्रूड ड्रग्स में क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं या फिर उसको मिला रहे हैं हमारा क्रूड ड्रग्स में, जो कि कैसा हो सकता है, या तो इन्फीरियर हो हमारे लिए, ठीक है, खराब हो, या फिर क्या कर सकते हैं, इन्फीरियर विच इज, ऐसे लिख दो, विच इज इन्फीरियर इन्फीरियर कहने का मतलब है कि वैसा सब्सटेंस जो कि क्या है, हमारे सब्सटेंस के जैसा मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर तो है लेकिन बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं है, बस देखने में सेम है लेकिन वो बायोलॉजिकली एक्टिव बिल्कुल नहीं है, तो उसको कहेंगे अडल्ट्रेशन इज अ सब्स्टिट्यूशन और एडिशन ऑफ सब्सटेंस इन आवर क्रूड ड्रग विच इज इन्फीरियर। ठीक है, इन्फीरियर भी कह सकते हैं या फिर हार्मफुल भी कह सकते हैं। ठीक है, या वैसा सब्सटेंस को मिला सकते हैं जो कि हार्मफुल हो या फिर फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव सब्सटेंस विच इज फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव, फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव, ठीक है, फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव होगा। इसमें आप एक लाइन और ऐड कर सकते हो, बट सेफ एंड साइज किसके जैसा होगा, इज सिमिलर टू, सेफ एंड साइज इज सिमिलर टू क्रूड ड्रग। देखिए कितना सिंपल डिफिनेशन है ना, कैसे हो सकता है। तो अडल्ट्रेशन कह सकते हैं, अडल्ट्रेशन इज अ सब्स्टिट्यूशन और एडिशन ऑफ सब्सटेंस इन आवर क्रूड ड्रग। कोई भी हम सब्स्टिट्यूशन या एडिशन कर रहे हैं किसी सब्सटेंस को, हम अपने क्रूड ड्रग में मिलावट कर रहे हैं जो कि इन्फीरियर हो। ठीक है, इन्फीरियर मतलब उसके जैसा, बस शेप और साइज के जैसा मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो लेकिन उसके बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी उसके अंदर बिल्कुल ना हो, मतलब बॉडी में खाए ना तो उसको कोई इफेक्ट ना पड़े, वैसा सब्सटेंस को ऐड कर रहे हैं, या फिर वैसा सब्सटेंस को ऐड करेंगे जो हार्मफुल हो। ठीक है, ये कैसा हो सकता है, बहुत कॉस्टली दवा दो में जो आता है ना तो उसको मिलावट करते हैं, बहुत हार्मफुल कोई सब्सटेंस, इतना मिलावट जो आ रहा, मिठाई मिलावट, हर चीज में तो मिलावट आ ही रहा है, तो क्या हो जाएगा ना, हार्मफुल है कि नहीं हमारे बॉडी के लिए, हार्मफुल है उसको भी ऐड करता है, या फिर फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव केमिकल्स को हम ऐड करते हैं, बट शेप एंड साइज इज सिमिलर टू क्रूड ड्रग्स। ऐसा नहीं है कि हम कुछ और शेप साइज का मिला दें। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए कि शेप और साइज जो है हमारा क्रूड ड्रग्स के बिल्कुल सिमिलर हो, ताकि लोगों को पता भी ना चले कि हम इसमें मिलावट किए। ये जनरली मिलावट किया क्यों जाता है, अच्छी क्वेश्चन है कि नहीं, मिलावट क्यों किया जाता है, तो आप सोच पा रहे होगा थोड़ा सा कि मिलावट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ कुछ दवा जो है बहुत कॉस्टली आता है, तो इकोनॉमिकल पर्पस है, पैसों के लिए क्या करते हैं ना, उसमें मिलावट कर देते हैं ताकि हमारा जो पैसा हो, कम से कम रॉ मटेरियल के यूज हो और पैसा ज्यादा से ज्यादा आए, इसके लिए जनरली मिलावट करते हैं, या फिर मिलावट इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत ही कम डोज, कुछ कुछ ड्रग बहुत कम डोज में एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव होते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर डोज सिस्टम बनाने के लिए, प्रॉपर टैबलेट बनाने के लिए उसको इतना मोटा तो होना पड़ेगा ना, तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऐड करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं उसमें अडल्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, तो अडल्ट्रेशन अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। तो कुछ कंडीशन है जो कि इन्वॉल्व करता है अडल्ट्रेशन जो है, किस किस कंडीशन पर आधारित है, तो आप देख सकते हो ऊपर नेम, सब्स्टिट्यूशन, एडमिक्सचर, सोफिस्टिकेशन, इन्फीरियर एंड डिटोरियोरेशन, ये जो है हमारा क्या है, कंडीशन है। तो अगर हम बात करते हैं एक सब सबके बारे में, तो पहला क्या हमारा सब्स्टिट्यूशन, ध्यान देना है, सब्स्टिट्यूशन नाम से क्लियर पता चला, सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी को बुलाकर कहीं पे बैठा रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना, उसको यहाँ पे लाके इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए, मीन्स आप अपने ड्रग में कोई नया ड्रग ऐड कर रहे हैं तो उसको सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। ठीक है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन का प्रॉपर्टी कब यूज होगा, जब हम बहुत ज्यादा ड्रग जो हम उसमें ऐड करें। ठीक है, अपना सपोज दैट कि ये मेरा कोई ड्रग है पहले से और ये मेरा बाहरी प्रोडक्ट है, ये मेरा क्या है, बाहरी प्रोडक्ट है, अब हम पूरा का पूरा प्रोडक्ट उठाकर इसमें मिला दिए मतलब इसमें ज्यादातर आप जो देखेंगे इसमें क्या होगा, हमारा जो बाहरी मिलावटी प्रोडक्ट इसमें ज्यादा है और जो मेन क्रूड ड्रग्स था वो कम है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन कहेंगे, हमारा मिलावटी प्रोडक्ट इसमें क्या रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा, तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन कह दिए, है ना, ये तो ऐसा होता है, सब्स्टिट्यूशन को आप ऐसा लिख सकते हो,
एडिशन ऑफ, क्या लिख सकते हो, एडिशन ऑफ एक्सटर्नल एक्सटर्नल सब्सटेंस होली, ठीक है, पूरा हम मिला दिए, एडिशन ऑफ एक्सटर्नल सब्सटेंस होली, पूरा अगर सब्सटेंस को ही हम मिला दिए तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन कहेंगे, ठीक है। और दूसरा आता है हमारा एडमिक्सर, एडमिक्सर क्या हो सकता है, नाम से क्लियर चल रहा है, एडमिक्सर कहीं ना कहीं मिक्सर में कुछ चीज ऐड होगा, तो क्या होगा, एक तो मेरा पहले से क्रूड ड्रग था, क्या था हमारा पहले से क्रूड ड्रग था, अब इस क्रूड ड्रग में हम कुछ और चीज का मिलावट कर दिए, मतलब एक पार्टिकल वन आर्टिकल को और हम ऐड कर दिए, तो हम सब्स्टिट्यूशन को क्या, एडमिक्सर को क्या डिफाइन कर सकते हैं, एडमिक्सर, एडमिक्सर को हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द एडिशन ऑफ, सही जा रहे हैं हम, एडिशन ऑफ वन मोर आर्टिकल, आर्टिकल की जगह आप सब्सटेंस भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सब्सटेंस, ठीक है, इट इज द एडिशन ऑफ वन मोर आर्टिकल और सब्सटेंस इन आवर क्रूड ड्रग, कहाँ पे, क्रूड ड्रग में हम एक और आर्टिकल या सब्सटेंस को क्या कर दिए, ऐड कर दिए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एडमिक्सर कहेंगे, ठीक है, पहले से था इसमें कुछ सब्सटेंस को हम ऐड कर दिए, तो दो आर्टिकल आ गए कि नहीं इसमें, तो इसको हम एडमिक्सर कहेंगे, मतलब ये नहीं कि हम पूरा उसी को डाल दिए, उसका कुछ पार्ट और इसका कुछ पार्ट रहेगा, तो इसको हम एडमिक्सर कहेंगे। अब आता है सोफिस्टिकेशन, सोफिस्टिकेशन नाम से क्लियर है, सोफिस्टिकेशन, सोफिस्टिकेशन मतलब कोई भी ड्रग में हम लोग जो क्या करते हैं ना, कोई मिक्स मिलावट करते हैं, मिलावट तो सब में हो रहा है, लेकिन सोफिस्टिकेशन में क्या होता है, इट इज सोफिस्टिकेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, सोफिस्टिकेशन एक होता है इंटेंशनली टाइप का, इंटेंशनल बोले तो मतलब जानबूझ के उसमें मिलावट किया गया, जानबूझ के क्यों मिलावट किया गया, देखिए इट इज द एडिशन ऑफ, इट इज द इंटेंशनल एडिशन, ठीक है, इंटेंशनली एक्सीडेंटल नहीं हो रहा, मतलब गलती से नहीं हो रहा, हम जानबूझ के उसमें एडल्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, जानबूझ के उसमें मिलावट कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं इट इज द इंटेंशनली एडिशन ऑफ एडल्ट्रेंट, क्यों कह रहे हैं, एडल्ट्रेंट मतलब वैसा सब्सटेंस जिसको हम मिला रहे हैं उसको हम एडल्ट्रेंट कहेंगे, तो इट इज द इंटेंशनली एडिशन ऑफ एडल्ट्रेंट टू क्रूड ड्रग, क्रूड ड्रग में जो हम मिला रहे हैं ना उसको हम लोग क्या कहेंगे, हमारा सोफिस्टिकेशन कहेंगे। अब इंटेंशनली क्यों ऐड किया जाता है, अच्छा क्वेश्चन राइज होता है कि नहीं, हम इंटेंशनली किसी को क्यों ऐड करेंगे, तो देखिए ध्यान से, सपोज दैट हम कोई ड्रग ड्रग लिए, ठीक है, एक ये ड्रग है, ये मेरा क्रूड ड्रग है, और एक दूसरा हमारा ये है, सपोज हम दो क्यों ले, हम एक ही लेते हैं, ठीक है, ये कोई ड्रग है, ये जो है ना बहुत महंगा होता है, बहुत ज्यादा महंगा होता है, तो बहुत ज्यादा महंगा आने के कारण हम ऐसा ही सिमिलर टाइप का लुकिंग सब्सटेंस, इसी तरह का दिखने वाला हम सब्सटेंस, हो सकता है बायोलॉजिकली एक्टिव ना हो, इसमें हम क्या करेंगे, इसी के जैसा दिखने वाला सब्सटेंस को क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे, तो क्या हो गया, सोफिस्टिकेशन हो गया, हम जानबूझ के ऐड किए ताकि इसका मात्रा क्या हो जाएगा, इसका जो है कंसेंट्रेशन बढ़ जाए, और कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बल्क में प्रोड्यूस होगा, तो बल्क में प्रोड्यूस होने के कारण पैसा ज्यादा आएगा, कमर्शियल वैल्यू बढ़ेगा, है ना, तो ये सोफिस्टिकेशन होता है, सोफिस्टिकेशन हो गया हमारा। फिर आता है इन्फीरियरिटी, इन्फीरियर मतलब होता है कि सब स्टैंडर्ड ड्रग, इन्फीरियरिटी, इट इज द एडिशन ऑफ, देखिए ध्यान से, इट इज द एडिशन ऑफ, क्या किसका एडिशन, सब स्टैंडर्ड ड्रग, किसका एडिशन, इट इज द एडिशन ऑफ सब स्टैंडर्ड ड्रग इन क्रूड ड्रग्स, ठीक है, क्रूड ड्रग बोल लो या अपना ओरिजिनल ड्रग बोल दे, तो क्या होगा, इन्फीरियरिटी को होता है, इट इज द एडिशन ऑफ सब स्टैंडर्ड ड्रग। अब आता है कि सब स्टैंडर्ड ड्रग क्या होता है, सब स्टैंडर्ड कहने का मतलब कि वैसा ड्रग जो कि मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर है, ठीक है, ये मेरा नेचुरल ड्रग का शेप ऐसा है, ठीक है, सपोज दैट ये मेरा नेचुरल ड्रग है, सब ट्रायंगल्स ऐसा शेप का है, सब ऐसा शेप का है, अब हम जब बनाए ड्रग, हम अपना जो ड्रग बनाया वो भी ट्रायंगल शेप का है, देखिए सारा ट्रायंगल शेप, उनमें कुछ अंतर दिख रहा है आपको, बिल्कुल अंतर नहीं दिख रहा, लेकिन क्या होगा ना, ये फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होगा, सॉरी ये जो मेरा पहले वाला है ये क्या होगा, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होगा, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होने का मतलब इसमें केमिकल प्रेजेंट है जो कि आपका बीमारी को ठीक कर सकता है, हम अपन खाते हैं, ठीक है, हम कोई ड्रग लेते हैं, ये वाला ड्रग लेते हैं तो हमारा बॉडी पे क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा, कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगा और हमको डिजीज फ्री बना देगा, हमको जो है कोई भी बीमारी से मुक्त कर देगा, लेकिन अगर ये ड्रग खाओगे तो इससे कुछ आपको होने वाला है नहीं, ना आपको हार्मफुल इफेक्ट देगा, ना आपको फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देगा, ना आपको थेरोप्यूटिक इफेक्ट ना देगा, ना आपको फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देगा, समझ गए, आपको कोई इफेक्ट नहीं देने वाला, ये बस दिखाने के लिए है, ठीक है, वही बात हो गया, हाथी के दांत दिखाने कुछ और के और खाने के कुछ और, ठीक है, उस बात का बस सेम इसी तरह। तो इन्फीरियर क्या हो गया, एडिशन ऑफ सब स्टैंडर्ड ड्रग, वैसा ड्रग जो कि सब स्टैंडर्ड क्या होता है,
मोर्फोलॉजिकली सिमिलर, मोर्फोलॉजिकली सिमिलर, ठीक है, मोर्फोलॉजिकली सिमिलर तो होगा बट विथ नो फार्माकोलॉजिकल, बट विथ नो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, इसमें कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होगा, इसी को कहेंगे हम क्या, इनफेरियरिटी। अब हमारा लास्ट आता है क्या, डिटेरियोरेशन, ध्यान देना है, डिटेरियोरेशन नाम से क्लियर है, डिटेरियोरेशन मींस कहीं ना कहीं खराब हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, हमारा सब्सटेंस खराब हो रहा है, डिटेरियोरेशन मतलब ध्यान देना है यहाँ पे, डिटेरियोरेशन मतलब हम इफ आवर ड्रग बिकम्स क्या, अगर हमारा ड्रग जो है लेस स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है, लेस स्टैंडर्ड क्वालिटी किसके कारण हो सकता है, ड्यू टू किसके कारण हो सकता है, डिटेरियोरेशन किसके कारण हो सकता है उसमें माइक्रोबियल एक्शन हो जाए, माइक्रोबियल एक्शन, ठीक है, माइक्रोब्स के कारण हो सकता है, या फिर हाइड्रोलिसिस हो जाए, या फिर ऑक्सीडेशन हो जाए, ठीक है ना। अगर हमारा ड्रग जो है, जो हम ड्रग लिए हैं, ठीक है, ड्रग जो हम रखे हैं उसका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड उसका खराब हो जाएगा। सपोजर कि हम जो ड्रग दिए थे उसका स्टैंडर्ड था, मतलब हम खाते तो उसका थेरोपेटिक इफेक्ट बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ समय छोड़ दिए तो क्या हो गया, अगर उसमें थोड़ा पानी, उसको मॉइस्चर मिल गया तो क्या होगा, वहां पे ग्रोथ होने लगेगा बैक्टीरिया का। अगर बैक्टीरिया का ग्रोथ होने लगेगा तो उसका स्टैंडर्ड घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा ना, उसका स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं एक समय स्टैंडर्ड उसका हाई था, अब वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, उसमें हो सकता है हाइड्रोलिसिस हो जाए, ठीक है, वाटर के प्रेजेंस में टूट जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए, तो उसका स्टैंडर्ड कम जाएगा, घट जाएगा, तो उसी को यहाँ डिटेरियोरेशन के रूप में समझाया गया, इसी को डिटेरियोरेशन कहते हैं। तो देखिए आप एडल्ट्रेशन का डिफिनेशन क्लियरली कहीं भी बोल सकते हो, इट इज द एडिशन और सब्स्टिट्यूशन और एडमिक्सचर और सोफिस्टिकेशन और इनफेरियरिटी, डिटेरियोरेशन सब ऐड कर सकते हो, और एक बड़ा सा डिफिनेशन भी आप बना सकते हो एडल्ट्रेशन का, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मेन डिफिनेशन क्या है, इट इज द मिक्सचर और सब्स्टिट्यूशन ऑफ, इट इज द मिक्सचर और सब्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट केमिकल और डिफरेंट सब्सटेंस, ठीक है, अलग सब्सटेंस को हम ऐड कर सकते हैं इन आवर क्रूड ड्रग्स फॉर कमर्शियल पर्पस, या फिर हार्मफुल सब्सटेंस भी हो सकता है, या फिर फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव सब्सटेंस हो सकता है ना, इस तरह से होता है। अब देखिए कुछ टाइप है एडल्ट्रेशन का, एडल्ट्रेशन का टाइप हो गया, ये कैसे हो गया, एडल्ट्रेशन का देखिए मिलावट तो कर रहे हैं, तो मिलावट तो दो टाइप का होगा ना, एक तो हम जानबूझ के मिलावट कर रहे हैं कमर्शियल पर्पस से, और एक आप गलती से मिलावट कर दो, है ना, आप हो सकता है पहले कुछ और काम कर रहे थे, आप हाथ धोना भूल गए, आप किसी और सब्सटेंस को छू लें, तो आप किसी और सब्सटेंस में लग गए, उसमें काम करने लगे, तो हो सकता है अगर हाथ नहीं धोए तो आप में कुछ तो उसका पार्टिकल रहा होगा, कुछ क्या रहा होगा, हमारा बैक्टीरिया रहा होगा, कुछ केमिकल अलग एनवायरमेंट रहा था, आप इस एनवायरमेंट ले आया तो उसको मिलावट कर दिया था, एडल्ट्रेशन हुआ कि नहीं, बस छोटा छोटा चीज से एडल्ट्रेशन हो जाता है, मिलावट के लिए बड़ा चीज हमको नहीं चाहिए, ठीक है ना, छोटे छोटे चीज से क्या हो जाएगा, अगर हमको खराब हो जा रहा है कुछ भी तो डिटेरियोरेशन के अंदर में आएगा, अगर बायोलॉजिकल हो रहा है तो क्या होगा, इसके अंतर्गत हम लोग डिवाइड करते हैं, एक होता है डायरेक्ट, बोला तो इंटेंशनल, और एक होता है इनडायरेक्ट, अनइंटेंशनल। अगर इंटेंशनल है, इंटेंशनल मतलब जानबूझ के ऐड करना, जानबूझ के हम क्यों ऐड करेंगे, तो किसी भी महंगा सब्सटेंस है, कोई भी महंगा हमारा केमिकल है उसको हम लोग तो एफोर्ड नहीं करता कि सब लोग एफोर्ड कर ले, उसका प्राइस क्या होता है, सपोज दैट एक मेरा है वो है 1 करोड़ का, ठीक, 1 करोड़ का एक सब्सटेंस है इसी के जैसा दिखने वाला, लेकिन ये फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव है, और ये कितने का है, ये अगर एक, ये 1000 का है ना, 1000 का है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करके इसका मास क्या करेंगे, बल्क में डाल देंगे, इसका डाल देंगे तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, पहले 1 करोड़ था, अब फिर इसी को हम बेचेंगे, पहले 1000 था, अब इसको हम कितना बेचेंगे, सपोज इसका अगर हम 5000 में भी बेचते हैं तो मेरा 4000 को फायदा हो रहा है कि नहीं, 4000 का फायदा हो रहा है, तो इस टाइप का कमर्शियली ऐसा ही चलता है मार्केट में, आपको पता नहीं चलता है लेकिन चलता है ऐसे है, ठीक है, एडल्ट्रेशन के, एडल्ट्रेशन का केस बहुत ज्यादा, लेकिन कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है तो लोगों को पता भी नहीं चलता है, ठीक। तो पहला तो हो गया इंटेंशनल, डायरेक्ट, जो इंटेंशनल के तौर पर देखते हैं, तो पहला हम लोग टाइप पढ़ते हैं किसका, डायरेक्ट का, जो डायरेक्ट हम लोग इंटेंशन तौर पे अपने जानबूझ कर डालते हैं उसके बेसिस पे, तो उसका जो पहला आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन विथ इंफीरियर ड्रग, इंफीरियर ड्रग बोले तो वैसा ड्रग, मैंने बताया था इंफीरियरिटी, इंफीरियर ड्रग मतलब वैसा ड्रग जो कि क्या करे, मोर्फोलॉजिकली सिमिलर हो लेकिन उसके अंदर कोई भी थेरेप्यूटिक इफेक्ट या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ना हो,
ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, मतलब देखने में दोनों एक जैसा लगेगा, लगेगा कि हाँ भाई ये तो वही है महंगा वाला 1 करोड़ वाला, लेकिन है असली में कितने का हो, 1,000 वाला है, ठीक है। तो उसी प्रकार सब्स्टिट्यूशन विद इंफीरियर ड्रग पहला टाइप हो गया, मतलब मदर क्लोव एंड क्लोव स्टॉक आर एडल्टर्ड विद क्लोव, एग्जाम्पल यही है, मदर क्लोव एंड क्लोव स्टॉक आर एडल्टर्ड विद क्लोव, एग्जाम्पल है मदर क्लोव एंड क्लोव स्टॉक आर एडल्टर्ड विद क्लोव के साथ, ठीक है। मदर क्लोव और क्लोव स्टॉक जो है दोनों देखने में सेम होता है, इससे दोनों देखने में सेम होता है, देखने में सेम है तो क्या करेंगे, इसको हम इसमें जाके ऐड कर देंगे, क्लोव के साथ ऐड कर देंगे और उसको मार्केट में उतार देंगे। तो यही हो गया क्या, सब्स्टिट्यूशन विद इंफीरियर ड्रग। इसके अंदर क्या है, क्लोव में क्या है, थेरोपेटिक इफेक्ट है, लेकिन क्लोव स्टॉक में थेरोपेटिक इफेक्ट, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देने का प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं है, तो क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे और हम पैसा कमा सकते हैं। अब सेकेंड आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन विद आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड ड्रग। देखिए ये जो है ना आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड ड्रग जो है आर्टिफिशियली, देखिए बहुत सारे सब्सटेंस जो होता है ना उनको आर्टिफिशियली जानबूझ के उस तरह के बनाया जाता है कि हमारा जो नेचुरल जो मेन मेरा ड्रग है उसके जैसा दिखे, ठीक है, उसके जैसा बनाया जाता है ताकि हम पकड़ाया नहीं मार्केट में जाते, कोई हमको पकड़ ना पाए कि हाँ तुम उसमें मिलावट किए हो, तो उसके लिए आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर भी किया जाता है, क्योंकि उसका देखिए बहुत कॉस्टली, ये जनरली ये असली में बहुत ज़्यादा कॉस्टली के लिए, कॉस्टली ड्रग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो कॉस्टली ड्रग के लिए हम ये मेनली यूज करते हैं आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड ड्रग, आपको कहीं से मिल नहीं रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चरिंग तो करना पड़ेगा उस ड्रग का। तो जैसे इसका एग्जांपल अगर देखें तो बीज वैक्स सब्स्टिट्यूटेड विथ पैराफिन वैक्स, इसमें होता है कि बीज वैक्स जो होता है ना उसको सब्स्टिट्यूशन करते हैं उसको पैराफिन वैक्स को, दोनों देखने में सेम है, रिजेंबल करता है प्रॉपर्टी दोनों का, दोनों को प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन ये दोनों को सब्स्टिट्यूट करते हैं एक दूसरे से, क्या करते हैं मिला देते हैं और हम आराम से पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम तीसरा टाइप देखते हैं, तो ये हमारा थर्ड है जो है सब्स्टिट्यूशन विद एग्जॉस्टेड ड्रग, ठीक है। एग्जॉस्टेड ड्रग कहने का मतलब है कि वैसा ड्रग जो कि क्या किया है मार्केट से, ठीक है, अपना लिए, अपना मार्केट से लिए, नहीं रुक जाओ, थर्ड आता है हमारा क्या, सब्स्टिट्यूशन विद एग्जॉस्टेड ड्रग। एग्जॉस्टेड ड्रग कहने का मतलब है कि ड्रग क्या किया हम अपना लिए एडल्ट्रेशन जिसको मिलाना है उस, देखिए एक हमारा पहले से क्रूड ड्रग था, ठीक है ना, ये क्रूड ड्रग मेरा पहले से था, अब हम इसको मिलाना है, इस ड्रग को क्या करना है, इसका मॉर्फोलॉजिकली सिमिलरिटी है, इसको इसमें मिलाना है, हमको एडल्ट्रेशन करना है। तो एग्जॉस्टेड ड्रग कहने का मतलब है कि इसका जो है पहले से, हो सकता है इसके अंदर कोई केमिकल हो, तो इस केमिकल को क्या कर लिए हम बाहर निकालिए, केमिकल कंस्टिट्यूएंट को हम क्या किए बाहर निकाल लिए और फिर उसके बाद इस ड्रग को हम इसमें ऐड कर दिए, तो उसको हम एग्जॉस्टेड ड्रग कहेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन किसके साथ कर रहे हैं हम, एग्जॉस्टेड ड्रग के साथ। जैसे एग्जांपल की बात करें तो यूजिंग एग्जॉस्टेड क्लोव इन प्लेस ऑफ फ्रेश क्लोव, ठीक है, पहले एक मेरे पास क्या था, फ्रेश क्लोव था, फिर ऐसा क्लोव लिया जो कि एग्जॉस्टेड क्लोव है, मीन्स इसमें से हम केमिकल क्या कर लिए हैं बाहर कर लिए हैं, तब इसको हम इसमें मिलाए, तो ये बल्क में हो जाएगा, ठीक है ना, बल्क में होने के कारण क्या हो जाएगा, बल्क में आसानी से हमको बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन केमिकली बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं है क्योंकि इसके अंदर केमिकल नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा जो हमारा आता है हार्मफुल एडल्ट्रेंट्स कहने का मतलब है कि हम जो है इसमें मोस्टली हार्मफुल एडल्ट्रेंट्स किसका होता है, लिक्विड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का होता है। वैसा लिक्विड ड्रग बोले तो कि जो लिक्विड फॉर्म में ड्रग है उसको लिक्विड ड्रग बोलेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग मतलब गम हो गया, ठीक है, गम हो गया, जो लेसिथिन निकला, म्यूसिलेज वगैरह, जो प्लांट के एक्सट्रैक्ट, जो नॉन सेलुलर पार्ट्स जो होते हैं, ठीक है, जूसेस वगैरह, एलो जूस, किनो, ठीक है, तो उसको, उससे एडल्ट्रेशन जो होगा ना उसको हार्मफुल एडल्ट्रेंट्स कहेंगे। मतलब ये जो जनरली जो होता है मार्केट से हम उठा लेते हैं जो भी वेस्ट मिलता है हमको, वेस्ट प्रोडक्ट मार्केट से उठा लिए और उसको हम एडमिक्सचर के रूप में क्या किए अपने जो क्रूड ड्रग है उसमें मिलावट कर दिए, ठीक है ना, ये तो इसीलिए इसको हार्मफुल एडल्ट्रेंट्स कहा गया, क्योंकि अगर मार्केट से वेस्ट उठाओगे और खाओगे तो क्या हार्मफुल एक्ट करेगा कि नहीं, बीमार पड़ोगे कि नहीं, बिल्कुल पड़ोगे, तो इसलिए हार्मफुल एडल्ट्रेंट्स कहा गया। जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, लाइमस्टोन इन एसाफिटिडा, ठीक है, लाइमस्टोन को ऐड करते हैं एसाफिटिडा में, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, हार्मफुल एडल्ट्रेंट्स का एग्जांपल हो गया। वहीं पे अगर पांचवा बात करते हैं एडल्ट्रेशन ऑफ पाउडर, पाउडर का देखिए पाउडर फॉर्म में ड्रग तो कितना सारा हो सकता है, नहीं भी है तो क्या करेंगे हम उसको ट्राइटुरेट कर देंगे, ठीक है, उसको पीसेंगे, उसको अच्छे से रगड़ रगड़ के क्या करेंगे उसको पाउडर बना देंगे। अब पाउडर तो भाई हो सकता है उसका शेप जो है सिमिलर ना हो पहले, लेकिन हम उसको ट्राइटुरेट करके पीट के क्या किया पाउडर बना दिए, तो ये भी व्हाइट कलर का, ये भी व्हाइट कलर का, अब बहुत कम फर्क होता है ना, दोनों व्हाइट कलर का बस पाउडर होना चाहिए, अब दोनों को क्या करेंगे मिक्सर एडमिक्स कर देंगे तो पता चलेगा क्या, नहीं ना, तो इसीलिए पाउडर फॉर्म वाला जो ड्रग है ना वो बहुत ज्यादा क्या होता है,
बहुत ज्यादा मिलावट होता है उसमें, पाउडर फॉर्मल्डिहाइड में बहुत ज्यादा मिलावट होता है, ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली एडल्टरेट होता है। जैसे एग्जांपल लें तो रेड सैंडर्स वुड कैप्सिकम में हम डाल देते हैं, ये कोई कैप्सिकम था ठीक है ना, कैप्सिकम था, इसमें हम रेड सैंडल वुड डाल दिया, ये भी व्हाइट कलर का, ये भी व्हाइट कलर का, व्हाइट मिल गया। अब क्या हुआ, किसी को पता ही नहीं चल रहा, ये भी लग रहा है क्या, अरे भाई ये तो कैप्सिकम है, रेड सैंडलवुड है ही नहीं इसमें, ये तो कैप्सिकम है। लेकिन असलियत क्या है कि इसमें रेड सैंडलवुड का एडल्ट्रेशन किया गया, मिलावट किया गया है ना, ठीक है। आप देखिए छठा जो आता है, प्रेजेंस ऑफ वेजिटेटिव मैटर फ्रॉम सेम प्लांट, कहने का मतलब है वेजिटेटिव मैटर फ्रॉम सेम प्लांट्स, बिल्कुल वेजिटेटिव मैटर ऑफ सेम प्लांट मतलब कि जो है हमारा जो कि एक प्लांट यहाँ पे उग रहा था, ठीक है, ये कोई प्लांट है हमारा, इस प्लांट के साथ साथ कुछ और भी तो प्लांट इसमें, इसके जगह पे छोटे छोटे वीड्स, वीड्स समझते हो आप लोग, वीड्स जो अपने मेडिसिनल प्लांट्स के साथ भी उग जाते हैं, ठीक है, लेकिन वीड्स कोई जरूरी नहीं है कि वीड्स ही हो, उसके साथ जैसे मेरा मेडिसिनली एक्टिव मेरा कोई एक मेडिसिनली एक्टिव, ये जो हमारा कोई ड्रग है ठीक है, ये मेरा प्लांट था जो कैसा था, मेडिसिनली एक्टिव ये मेरा प्लांट था, इसके साथ जो क्या हुआ ना, इसके साथ कोई और एक छोटा सा अलग से पौधा जुड़ गया, ठीक है, हो सकता है कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इसके जैसा हो, ठीक है ना, हो सकता है कैसा, कलर में, ऑर्डर में, और कुछ कभी केमिकल प्रॉपर्टी भी दोनों का सेम है, लेकिन है तो अपोजिट ना, इसके जैसा ये तो नहीं है, ठीक है, ये तो इस एडल्ट्रेशन का काम करेगा कि नहीं करेगा, तो इसको अगर कलेक्ट करिए, सपोज खेत में से हम इसको कबाड़ रहे हैं, तो इसके साथ ये भी क्या हुआ, आकर इस साथ में टूट जाएगा, और साथ टूटने के बाद क्या करेंगे, दोनों को एडमिक्स करके हम डालेंगे, तो क्या एडल्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ, ठीक है। तो उसी तरह प्रेजेंस ऑफ वेजिटेटिव मैटर फ्रॉम सेम प्लांट्स, क्योंकि इनका कलर सेम होता है, उनका ऑर्डर सेम होता है, ठीक है, उनका कभी कभी केमिकल भी सेम होता है, ठीक है, कभी कभी सेम होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो कभी किसी का अस्टीम पोर्शन मिक्स होता है लीफ ड्रग में, जैसे कि लोबेलिया और सेना का, ठीक है, जो सेना क्या होता है, लीफ होता है, तो इसमें कभी कभी स्टीम का पोर्शन भी ऐड हो जाता है, हम लीफ तोड़ रहे हैं तो कभी कभी स्टीम का पोर्शन भी कुछ उसमें ऐड हो गया गलती से, तो एडल्ट्रेशन हुआ कि नहीं, एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट यार, कुछ भी मिल रहा हो तो उसको क्या कहेंगे, एडल्ट्रेशन कहेंगे, ये तो गिर ही जाता है हमेशा, ठीक है। अब आ देखिए, ये तो हमारा डायरेक्ट हो गया, अब दूसरा बात करते हैं इनडायरेक्ट का, इनडायरेक्ट एक्टिंग करने का मतलब है कि ये जो है गलती से हो रहा है ना, हमारा जो एडल्ट्रेशन हो रहा है वो कब गलती से हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट टाइप को एडल्ट्रेशन करेंगे। तो पहला जो आएगा हमारा फॉल्टी कलेक्शन आता है, फॉल्टी कलेक्शन कहने का मतलब है कि अगर हम जो कलेक्शन किए हैं किसी भी सब्सटेंस को, तो फॉल्टी गलत कलेक्शन होने के कारण, फॉल्टी कलेक्शन मतलब गलत कलेक्शन ये क्या हुआ भैया, अरे सेम चीज यार, वेजिटेटिव मैटर वाला सेम तो है फॉल्टी कलेक्शन, सपोज दैट कि हम कोई खेत में से क्या कर रहे हैं, एक पत्ता ठीक है ना, अपना सब्सटेंस जो है क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, इसके साथ छोटा सा वीड्स भी था, क्या था, वीड्स था, इसको दोनों को साथ में तोड़ दिए और दोनों को मिला दिया, तो कलेक्शन फॉल्टी हुआ कि नहीं, हुआ नहीं, फॉल्टी हुआ कलेक्शन, दोनों को फॉल्टी हुआ कि नहीं, हमारा पहले से एडल्ट्रेट को हम क्या किया लिए, मिला लिए उसमें, हम उसमें इनडायरेक्टली जो है गलती से, ये जानबूझ के नहीं हुआ, ये गलती से सपोज दैट कि थोड़ा केयरलेसनेस हो गया हो, कुछ हो गया हो, गलती से उसमें कलेक्ट आ गया हो, या फिर कोई रॉ मटेरियल बाहर से कोई रॉ मटेरियल निकाल रहा है और गलती से एक छोटा सा दाना किसी चीज़ का चला गया हो, तो वो भी कलेक्ट हो गया, तो फॉल्टी कलेक्शन के अंतर्गत वो आएगा, ठीक है ना, फॉल्टी कलेक्शन के अंतर्गत आएगा। अब देखिए, अब जगह दूसरा आता है इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग, ठीक है, हम रॉ मटेरियल कलेक्ट कर लिए, अब उसको क्या करना है, प्रोसेस करना है, मतलब प्रोसेस करने का मतलब उसको सॉल्युबलाइज करना है, उसको मिक्स करना है ना, उसको नहीं मिक्स हो रहा तो उसको हीट करना है, तो इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग हो सकता है कि जितना जरूरी हो उससे ज्यादा टेम्परेचर हम दे दें, तो क्या होगा, इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग होगा कि नहीं, जैसे अगर लीवर से अगर एक्सट्रैक्ट करना है हमारा कॉड लीवर ऑयल को, ठीक है, कॉड लीवर ऑयल को अगर लीवर से, देखिए ये लीवर से हम क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हीट दिए इसको, हीट लिए तो कॉड लीवर ऑयल मिलेगा मिला कि नहीं। अब हीट जो था, सपोज दैट हीट हमको 500 डिग्री सेंटीग्रेड देना था और हम इसको दे दिए 700 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा, इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग हुआ, इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग के अंतर्गत आया। अब इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग हो गया, 700 डिग्री दिए तो हो सकता है इसका कलर चेंज हो जाए, टेक्सचर चेंज हो जाए, है ना, चेंज होगा कि नहीं, तो इसी प्रकार इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग आया कि नहीं, इनडायरेक्टली कारण, तो गलती से हुआ कि नहीं, गलती से कैसे हो जाएगा, वो तो वहाँ रहेगा ना 700 डिग्री से, अरे ठीक है भाई, हम सपोज दैट 500 डिग्री सेंटीग्रेड से गलती से थोड़ा 502 डिग्री सेंटीग्रेड, हो सकता है कि वहीं पे मेरा खराब हो गया होगा मशीन, उसको पता नहीं चला होगा, बस वही सेम टाइम पे मशीन खराब हो गया होगा 502 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसमें क्या हो सकता है, खराब हो सकने का चांस तो है, थोड़ा सा ही खराब हो लेकिन होगा ना, तो ये आ जाएगा इसके अंदर इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग की ओर। अब होता है क्या, बैड स्टोरेज, समझ रहे हो,
मीन्स इसका स्टोरेज घटिया तौर से किया जाए, घटिया स्टोरेज। अगर हम रख दिए एक नहीं रहता है किसी में, जैसे कि अगर हम ये सपोज दैट मेरा ड्रग है तो इसी पे मेंशन रहता है क्या, कीप इन कूल एंड ड्राई प्लेसेस। आपने देखा होगा कीप इन कूल एंड ड्राई प्लेसेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि हो सकता है कुछ टेम्परेचर में कूल प्लेस पे ना रखे तो क्या किया जाए उसमें डिटोरिएशन हो जाए, या फिर बैड स्टोरेज के कारण उसमें क्या हो जाए कुछ उसमें बैक्टेरियल से कंटामिनेशन हो जाए, है ना। तो हो सकता है बैड स्टोरेज, तो इसीलिए क्या कहा जाता है उसको प्रॉपर किस में रखा जाता है, प्रॉपर टेम्परेचर में रखा जाता है। प्रॉपर टेम्परेचर में रखो, लाइट से प्रोटेक्ट करो, कुछ कूलर को लाइट से भी प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। और उसको जैसा नहीं कि ज्यादा हीट में रख दे, गलत इधर उधर फेंक दिए, उसको प्रॉपर जगह पे रखना चाहिए। तो बैड स्टोरेज के कारण क्या हो सकता है, हो सकता है अगर गलती से मॉइस्चर लग जाए, पानी लग जाए, तो सबसे डेंजर है, उसमें बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो सकता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो सकता है ना। बैक्टीरियल कंटामिनेशन होगा तो मेरा पूरा का पूरा जो है जो हम कलेक्शन किए हैं, प्रोसेसिंग किए हैं, जितना जो काम किए हैं, तो एक बस स्टोरेज के लिए पूरा कहानी मेरा बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए बैड स्टोरेज क्या ये भी किसके अंतर्गत आएगा, हमारा इनडायरेक्ट। गलती से वहाँ मॉइस्चर चला गया तो मेरी गलती थोड़ी है, या तो अनइंटेंशनली हुआ है, गलती से हुई है, इसीलिए बैड स्टोरेज भी अंतर्गत आएगा किसके, एडल्ट्रेशन के अंतर्गत, ठीक है। तो ये था हमारा एडल्ट्रेशन, जिसमें हम बहुत अच्छे से बात की सभी डिटेल में, क्योंकि समझना जरूरी है। और नोट्स चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे www.brightmedico.com। और वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं चैनल वीडियो डालूं और आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। और हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दिया गया, जरूर से ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको अपडेट्स, जीपेट्स, क्वेश्चन, वन लाइनर और भी बहुत कुछ प्रैक्टिकल्स भी आपको दिए जाते हैं। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहें।